हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सास बहू और दुनियादारी। आज हम आपके साथ फिर से लेके आ गए हैं एक नया व्लॉग। मतलब जो भी आपने 8 पार्ट का 1 देखा था, ये 2nd पार्ट है। तो आप बने रहे हमारे साथ और यहाँ पे अन्ना दिवास कराते हुए आपको दिखाया जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोग को। तो ऐसे ही साथ रहें, सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भगवान की आशीर्वाद आप पे भी आशीष बनी रहे, यही भगवान से कामना है। तो अभी हमारे देवर जी जो है गणेश जी को हाथ में लिए हुए हैं और हमारे जेठ जी चावल को अच्छे से फैला रहे हैं और चावल इतना ज़्यादा भर दिया जाएगा कि भगवान जी दिखे नहीं। एक में गेहूं और दूसरे में चावल। और ये दुर्गा माता है जिसमें हमारे ताऊ जी, चाचा और पंडित जेठ जी सब लोगों ने पकड़ के अच्छे से इन्हें अन्न में सुलाएंगे। अर्पित किया, ये श्रेय कर रहा और धन को पवित्र करने के लिए कुछ अपना अपना अंश, 1 रुपया, 2 रुपया या जैसे श्रद्धा हो उस अन्न में वेदिका भोग लगाएंगे। हाँ पंडित जी, हाँ भोग बीचों बीच में भोग रखिए, बीचों बीच में भोग रखिए, स्थापित कर दीजिए बीचों बीच। जल हाँ, अब फल, ये फल लीजिए। हाँ चारों कोने में फल। हाँ हाँ भैया, ये अपने वस्त्र को अब ढकिए। जीवन प्यारे साथ
फुर्सत पाई हैं और बोरी खिसकाते हुए आ रही है और पीछे हमारी देवरानी जी खड़ी है। आ गई देखो, हाँ देखो सास बहुरिया खड़ी हैं। एक दो तीन एक चार बड़ी बहू हमारी खीर बनाएगी, हाँ छोटी बहू हलवा बनाएगी, हाँ और एक बहू उबटन बनाएगी, हाँ सुई का सलाका हम देंगे, हमारे पास है। नहीं कोई बात नहीं, चुप रहो, सीखना ना, सबको काम मिल रहा है। सुबह से परेशान हो गए हैं सब लोग, हवा खा लो जरा। तो अभी आज पूजा के तीसरे दिन अन्नाधिवास हो चुका है और हमारी लखनऊ वाली मौसी आ चुकी है और ये देखिए काफ़ी दिन बाद मिली हैं, तो दोनों लोग इमोशनल हो रही हैं हमारे खुशी के। तो मौसी जी आ चुकी हैं और अब थोड़ा बहुत घर में चहल पहल भी और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम आपको मिलेंगे व्लॉग नंबर 9 में, और तब तक के लिए राधे राधे, और फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और उसमें भगवान जी की शोभा यात्रा निकलेगी, तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।